आज हम सीखेंगे कि वीसीआर कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, पीसी से वीसीआर कैसे कनेक्ट करते हैं, और उसे प्रोड क्या चाहिए, और उसके लिए सिस्टम को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये जो है अडेप्टर है, एक तरह का एक अडेप्टर है जो इसे टीवी ट्यूनर कार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें कई तरह के अलग अलग टीवी ट्यूनर कार्ड हैं। सबसे पहले आता है जो पीसी के अंदर जो एक कार्ड आता है, अगर वो छोड़े बोले तो ये हमारा टीवी ट्यूनर कार्ड एक यूपीएस का आता है। दो तरह के आते हैं इसके अंदर, मैं इसके अंदर से लगाने की कोशिश करूँगा, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। कनेक्ट किया जाता है इसे, इसको इधर डाला, और ये जो होता है ये एक दूसरा भाग उधर, जो हमारे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, पीसी के जो भी अडेप्टर है उसे लगा सकते हैं डायरेक्ट। आप देखिए टीवी ट्यूनर कार्ड इस तरह से है, एक तो इसके साथ में ये पिन जो है इधर से तदाने का इधर आ गया यूपीएस, और इसके पीछे हैं तीन वायर्स केबल्स, तीन टीवी के एक अलग से है, और इसके साथ में एक ड्राइवर सीडी आप देख सकते हैं। ये मेरा सिस्टम, मैंने एक छोर डाल दिया इसके अंदर से, ऐसा डाल दिया। नेक्स्ट जो पीछे वाला है इसे या तो डीवीडी दे सकते हैं तीनों भी, ये तीन वायर डायरेक्ट वीसीआर कनेक्ट। सबसे पहले तो जब ड्राइवर डालने के बाद इधर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर दें, आपको ऐसा आइकन्स आ जाएगा, इसको हम क्लिक करें, ओपन आ गया टीवी। इधर सेटिंग्स रहते हैं नीचे, जो पानी का जो बटन्स है ये बटन्स क्लिक करना पड़ेगा, इधर गए। अब इसमें ऑलरेडी एमपैक टू है ले लिया, ये तो हाई रेगुलेशन, यहाँ कभी भी 600 जो होता है इधर, ये ओपन करने के बाद में ऐसा आ गया। इसको जब ओपन करेंगे तो सेटिंग में जाना पड़ेगा, इधर 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 सेटिंग में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो बटन है, इसमें ओपन किया, ये चार्ट ओपन हो गया, इसके अंदर एमपैक टू ले लिया है। पहले हमें एमपैक टू को रखेंगे, क्यों बोले तो हमें एडिटिंग एडिटिंग करना है उसमें, और सबसे पहले इधर क्वालिटी वाइज इसको क्लिक किया, इधर 6000 रेगुलेशन आ गया। अब इसमें क्या है, ये जो रखेंगे तो पिनाकल में अगर कई सारे सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, और इस जो कौन से भी ऑप्शन में हमें क्लिक करेंगे तो वो वहाँ ओपन नहीं होगा। अगर हमें डीवीडी बनाना है तो डीवीडी इसमें रखना पड़ेगा, हमको तो वो ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये एमपैक टू रखना पड़ेगा। क्लिक कर, हमें जो इधर एक बटन से इसे हम क्लिक करें, अब हमें कहाँ रखना है ये पूछ रहा है, वीडियो कहाँ रखना है, डेस्कटॉप क्लिक कर, ओके क्लिक कर दें। ये है वीसीआर, अब इसे हम हमारे कंप्यूटर के जो क्लिप्स होते हैं इधर पीछे, ये चार होल्डर होते हैं, एक ऑडियो होता है, एक वीडियो होता है, येलो वाला इसके अंदर और वाइट वाला इधर, और ये जो तीन पिन होते हैं हम जो हमारे कंप्यूटर के जो वायर होते हैं हमें उसे डाल देना चाहिए, येलो वाइट, ये डाल दिया। इसका जो स्विच बोर्ड होता है हम इसे पावर में डाल देंगे, डाल दिया। अब ये है वीसीआर का कैसेट, मैं इसे घुमा देता हूँ इधर, अब ये तो रेडी है, अब मैं इसमें कैसेट डालूंगा। ये ले लिया और मैंने प्ले इसे कर दिया स्टार्ट। ये हो गया प्ले। अब ये तो साइड का जो साउंड होता है ये तो साउंड कम ज्यादा होता है, अब ये तो जो साउंड होता है ये तो कम ज्यादा होता है, हम इसे थोड़ा नीचे ऊपर कर सकते हैं, अगर आगे पीछे लेना है तो हम वो भी कर सकते हैं इसके अंदर।
अब आप देख सकते हैं कि अब ये तो चालू हो गया है। अभी ऊपर का जो बटन है, जो लाल कलर का बटन है, इसे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पेस्ट हो जाएगा, और आप उससे डीवीडी डीवीडी कुछ बना सकते हैं, वो अदर आपके ऊपर है डिपेंड। मैंने तो अब ये बंद चालू हो रहा ना इधर, ये तो अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं इसे बंद कर दूंगा। अब ये तो रहा वीसीआर से अगर लैपटॉप हो या पीसी हो उसे कनेक्ट करने का जरिया। को हमारे मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो नीचे लाल कलर का एक मार्क है, उसे क्लिक कर दीजिए। मैं नए नए वीडियो डालते रहता हूँ प्रोफेशनल वीडियोग्राफर फोटोग्राफर के हवाले से, आप उसमें देख सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।